नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ बच्चों, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों से रिक्त मतलब खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको पहले ये 4 शब्द दिए गए हैं बच्चों, पवित्र, पेड़, बेल, एलोवेरा। अब आपको इन शब्दों का प्रयोग इन खाली स्थान में करना है। जैसे कि पहला है, नीम का डैश बहुत बड़ा होता है। नीम का क्या बहुत बड़ा होता है बच्चों? पेड़। क्या बड़ा होता है? पेड़। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेड़। नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। अब है 2 प्रश्न, डैश का गुद्दा त्वचा में निखार लाता है। बच्चों हमने पढ़ा था पाठ में, तो कौन से पेड़ का जो गुद्दा होता है वो त्वचा में निखार लाता है? एलोवेरा। एलोवेरा का था ना, एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत मोटी होती हैं, हरे रंग की, उसके अंदर से जो जेल निकलता था वह हमारे त्वचा को निखार लाता था त्वचा में। अब है 3, तुलसी को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है तुलसी को? पवित्र। तुलसी को पवित्र माना जाता है, क्योंकि देखो बच्चों हम तुलसी की क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं ना। गिलोय का पौधा डैश के रूप में उगता है। अब बच्चों नीम का पौधा हमने पेड़ के रूप में उगाया था, याद हो, तो गिलोय का पौधा कौन से रूप में उगा था? बेल के रूप में। किसके रूप में? बेल के रूप में। हमने ये 4 शब्द प्रयोग किए। पहले में क्या था? नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है। दूसरा, एलोवेरा का गुद्दा त्वचा में निखार लाता है। 3, तुलसी को पवित्र माना जाता है। और गिलोय का पौधा बेल के रूप में उगता है। ये आगे सबको समझ में? अब आ जाओ बच्चों भाषा की बात। बच्चों ये प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित, तो पहले मैं आपको सर्वनाम समझाऊंगी क्या होते हैं। बच्चों आपने संज्ञा पढ़ी थी, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वैभाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वे, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के भी 3 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, इसमें मैं आता है अपने बारे में, मैं के साथ मेरा और मुझे, ये उत्तम पुरुष यानी ये व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, अपने मेरे लिए, अपने लिए, मैं, मेरा, मुझे। और मध्य में आता है तुम, दूसरे के लिए तुम्हारा और आप। अन्य पुरुष वह, जो कोई और भी हो सकता है, वह, वे, उन्हें, वो कोई अन्य, ठीक है। एक अपने लिए उत्तम पुरुष, दूसरा तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष, और 3 वह कोई अन्य। अब है 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय होता है कि यही चीज़, जैसे यह वस्तु, यह कॉपी, यह पेन, वह घर, वह किताब, तो एक निश्चय होता है निश्चयवाचक सर्वनाम में कि उसका पर्टिकुलर चीज़ होती है वो, जैसे मतलब यही पुस्तक है, उसी से रामायण, तो रामायण रामायण ही रहेगी, तो यही पुस्तक यानी रामायण की पुस्तक यह है, तो यह और वह।
यह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई भी अन्य कोई भी चीज़, उसमें कोई निश्चय नहीं होता कि वही चीज़ होगी, कोई भी और किसी भी, तो अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कौन और कहाँ का पूछा गया होता है, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम, जिसको अपने लिए प्रयोग, स्वयं के लिए, स्वयं किया हुआ, खुद के लिए, वो होता है निजवाचक, यानी पर्सनल, खुद स्वयं। छठा होता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें दूसरे चीज़ संज्ञा, जो संबंध होता है वो संज्ञा शब्दों से संबंध स्थापित होता है, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सब किसके अंदर आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अब पहले इन्होंने प्रश्न पूछा है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके वाक्यों के सामने लिखिए। जैसे कि तुलसी का पौधा स्वयं एक वैद्य है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा, स्वयं। स्वयं किसके अंतर्गत आया था बच्चों, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो ये स्वयं जो है क्या है, सर्वनाम है। जो पौधा लगाएगा उसे ही लाभ मिलेगा, इसमें जो भी आ जाएगा और उसे भी आ जाएगा, है ना, उसे भी और जो, क्योंकि जो पौधा लगाएगा हमने उसके लिए उसे प्रयोग किया सर्वनाम, और जो शब्द प्रयोग किया है। यह नीम का ही पेड़ है, तो नीम के लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया है, यह, तो यह क्या है, सर्वनाम शब्द। कोई कोई पौधे किसी काम नहीं आते, अब पौधे के लिए संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए हमने क्या प्रयोग किया, कोई कोई, तो कोई कोई जो है वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब आ जाओ ख पे, अब हम इसके दो दो सर्वनाम के भेदों का एक एक उदाहरण देना है और सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम उदाहरण ले सकते हैं, तुलसी के पौधे में कौन से गुण हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक में क्या होगा, कौन, कौन को अंडरलाइन रेखांकित करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दे सकते हैं, दरवाजे पर कोई आया है, अब कोई निश्चय नहीं है कि वो कौन है, तो कोई इसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में का उदाहरण हम ले सकते हैं, वह अपना कार्य स्वयं करता है, अब इसमें स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अब आ जाइए ग, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है पेड़, पेड़ का हम पर्यायवाची क्या हो सकता है बच्चों, वृक्ष और तरु, वृक्ष और तरु। वैद्य का क्या हो सकता है, चिकित्सक और डॉक्टर। घर का होगा मकान और गृही। खून का क्या होगा, रक्त और लहू, रक्त और लहू। अब बच्चों हमने पिछले पार्ट में वर्ण विच्छेद किए थे, अब इसमें हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे, यानी वर्ण संयोग करेंगे। देखो बच्चों इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग कर दिए हैं, शब्द में से स्वर को अलग किया, अनव्यंजन को अलग किया, अब हम उन्हें जोड़ के शब्द बनाएंगे। देखो बच्चों आपको बताया था मैंने कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, उनसे पूरे होते हैं, जैसे अधूरे होते हैं व्यंजन, स्वर उन्हें पूरा करते हैं। जैसे त छोटा उ है तू, त उ तू, ल अ ल, त उ ल तुल, स में बड़ी सी, त उ ल, क्योंकि जो त है उसके साथ जुड़ेगा तब ये तू बन जाएगा, त उ तू, ल ल में अ जोड़ेंगे तो ल, त उ ल तुल, स में बड़ी सी, तुल सी, तो पहला क्या बनेगा, तुल सी
दूसरा में प, प पे औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पौ ध आधा, पौ धा, क्या बन जाएगा, पौ धा, पौधा। न, न में ई की मात्रा, नी म, म नीम, न, न में बड़ी की नी म, म नीम। ब ई, बी, ब पे बड़ी लगेगी, ई की मात्रा सा जुड़ जाएगी तो ब ई बी, म आ मा, बी मा, र, र पे बड़ी री, बीमारी, बीमारी। अब है ल आ ला, भ अ भ, लाभ है लाभ, द आ दा, लाभ दा, य, य अ य, क अ क, लाभदायक। ये क्या बनेगा, लाभदायक, क्या बन जाएगा बच्चों, लाभदायक। समझ आया, एक बार दोबारा से करें, त उ ल। बच्चों देखो इसमें क्या आपको समझने की बात क्या है, सबसे कि जो स्वर है और व्यंजन, व्यंजन जो है जिसके नीचे हलंत लगा इसका मतलब वो अधूरा है, जब इसके साथ कोई भी क्या लग जाएगा, स्वर लगेगा तो वह मात्रा होती है, जैसे त उ तु, उ की मात्रा होती है ना, ये उ छोटा उ, तो इसके साथ जुड़ के पूरा कर रही है इसको, त को, त उ तु, ल, ल अधूरा से कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं, स्वर की मात्रा नहीं है, अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये ल, अ, ल अधूरा, तो अ जुड़ के ये पूरा हो जाएगा ल, त उ ल अ स ई तुलसी। प औ, य औ की मात्रा जुड़ के इसके ये पूरा हो जाएगा पऊ, प औ ध आ पौधा। न ई म अ नीम, न ई म अ नीम। ब ई बी म आ मा, र ई री बीमारी। ल आ ला, भ अ भ लाभ, द आ दा, य अ य, क अ क लाभदायक। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, अब इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में ये चारों प्रश्न आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। जिसके पास किताब है बच्चों वो किताब में भरे, जिसके पास नहीं है वो अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।